मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसमें, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, लेकिन ये जो बॉडी जिसका डेथ हो गया उस स्टेट्स सुला के उसको लेके आते हैं। उसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए वो ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया और वो बच्चे का बॉडी भी उसके साथ एक ही साथ लिपट के भेज दी। सुशांत के साथ 14 जून को क्या एक और बच्चे की डेथ हुई थी, वो कौन था आप एक बार ये सुनिए। ये मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, तो उसके बाद भी एक हफ्ते के अंदर ANI ने एक रिपोर्ट दिया था सैटेलाइट से, जो स्मिता पारेख जो उसका फ्रेंड बोलते हैं बाद में, स्मिता पारेख उसके NGO था संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर, 3-3 उसका हेल्थ सेंटर, बाद में उसमें पता लगा उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, चाइल्ड ऑर्गन उसमें से निकाल के उन लोगों को, बच्चे लोगों को बोडे में फेंक के समुंदर में वो लोग ये ट्रांसफर करते थे। ये था उनका बिजनेस, बहुत बड़ा NGO, और ये स्मिता पारेख के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन है उद्धव ठाकरे का वाइफ का। ये स्मिता पारेख एक महीना बाद अर्णब गोस्वामी के टीवी में आके बोला, मैं मेरे को जब बुलाया गया मैं जब गए तब देखा पूरा ब्लड, तो एक महीने से वो कहां थे जो पूरा ब्लड के बारे में नहीं बोला, जो अपना फ्रेंड चले गए आके ऐसा रो रहे थे जो बहुत ही ऐसा मीन्स वो अपने को बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा वो था जो स्मिता पारेख इसके साथ जुड़े हुए हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ। और एक मुद्दा जो है मेरा जो पॉइंट है, जो 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसमें, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, और जब उन्होंने उधर पहुंचा, जब उन्होंने उधर पहुंचा कुपड़ हॉस्पिटल में, उसके घर से कुपड़ हॉस्पिटल कोरोना के टाइम पे रास्ता पूरा खाली था, उसी टाइम पे 15 से 18 मिनट आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं 18 मिनट्स का टाइम था, लेकिन उन्होंने लेके निकले इधर 2:40 के 3:10 पे निकले, और जब पहुंच गए तब शाम हो गया था। जो एम्बुलेंस में वो गए उधर पहुंचने के बाद वो एम्बुलेंस से वो उसको बॉडी नहीं निकल गए, वो दूसरा एम्बुलेंस था। ये बीच में ANI ने दिया खार के पीछे के, हम लोग जो मुंबई खार जो रास्ता है वो खार के पीछे समुद्र के पीछे पीछे एक जगह है जिसमें हेलीकॉप्टर भी आते थे पवन हंस का, ठीक है, तो वो पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी उधर, पवन हंस का नहीं था कि किसका हेलीकॉप्टर था, पता नहीं 2 हेलीकॉप्टर था रेड कलर का, वो भी ANI ने दिया रिपोर्ट, वो रिपोर्ट दिया। तो ये क्या किया बॉडी को लेके क्या की ये हम लोग को पता नहीं है। और एक जो बात है, जब उनको बॉडी निकल गए घर से, कभी भी आज तक हम लोग छोटे से देखे नहीं जो बॉडी जिसका डेथ हो गया उस स्टेट्स सुला के उसको लेके आते हैं, लेकिन आप उसको देखिए, मैं एविडेंस भेज दूंगी ईमेल पे, मेरे पास सारी रखा है। तो उसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए वो ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया और वो बच्चे का बॉडी भी उसके साथ एक ही साथ लिपट के भेज दी। फिर बीच में रास्ते में कहीं पे वो बच्चे का बॉडी निकला, ये हम लोग को पता नहीं है। इसके ऊपर आप थोड़ा आलोकपात कीजिए तो बहुत अच्छे है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक जिस किसी ने एविडेंस नहीं दिया वो आपने दिया, रियली अप्रिशिएबल। आप एविडेंस दे देना, आपके पास जो भी एविडेंस टीम को दे दीजिए, क्योंकि ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, इन लोगों ने रिसर्च किया इनको भी नहीं मिली। इस वीडियो को हम इसीलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि ये महिला जब आई तो इन्होंने दावा करा कि सुशांत सिंह राजपूत जब डेथ हुई थी तब वहां पर आखिरकार वो स्ट्रेचर की हाइट कैसे बढ़ गई थी, सुशांत के बॉडी की हाइट इतनी लंबी कैसे लग रही थी, इसको लेकर आपको याद होगा बहुत सवाल उठे थे और ये सवाल सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी उठाए गए। और जब महिला जो कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आई है, जिन्होंने ये दावा करा कि सुशांत की बॉडी को लेकर तो गए वहां से, पर आखिरकार वो क्या बदल दी गई, जहां से लेके गए हॉस्पिटल वहां पर हेलीकॉप्टर थे। आपको एक चीज याद है कि कुछ किसी आईडी ने कुछ पोस्ट शेयर करे थे जहां पर एक एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस से शरीर को निकाला जा रहा था, वहां लाल कलर का हेलीकॉप्टर खड़ा था, ऐसे कुछ पोस्ट फेसबुक की एक आईडी ने शेयर करे थे, शायद वो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसने करे थे। अब कहा जा रहा है कि ऐसी ही कुछ बातें जो महिला है उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताई है। आपने खुद सुना
आगे आपको चीजें बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लगातार सुशांत केस को लेकर बहुत चर्चा हुई है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला छोटा मोटा मामला नहीं रह गया। पिछले करीब 3.5 साल से इस मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। उसके बावजूद क्या देखा जाता है कि आखिरकार इस मामले में क्या कोई भी शख्स बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस मामले में? अगर हम बात करें बड़े बड़े नेता या अभिनेताओं की, तो लोगों ने बात तो करी इस मामले के बारे में, पर फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के बारे में खुद ही सच बाहर आएगा और ना कोई इंसान इस मामले का कोई सच बाहर लाना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस मामले को छोटा मोटा मत समझिए, जो मामला 3.5 साल से चल रहा है, जिस मामले को लेकर आज तक लगातार देश की जनता से लेकर बड़े बड़े लोग यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं जिस मामले को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, वो मामला छोटा कैसे हो सकता है? और आखिरकार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार 3.5 साल पहले सवाल उठे थे कि आखिरकार उस घर में क्या पिकनिक स्पॉट बन गया था 14 जून को, जिस प्रकार 14 जून को पर एम्बुलेंस आई, एक नहीं दो नहीं तीन की बातें हुई और फिर एम्बुलेंस निकल जाती है, पहले अलग अलग हॉस्पिटल की बातें होती हैं और बीच में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर ये सवाल फिर से उठाया गया सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और जब ये सवाल उठाया गया तो बहुत बड़े मायने रखते हैं, आखिरकार ये बोला गया कि कोई नेपाली बच्चा था जिसको बचा रहा था, उसकी भी डेथ हो गई, उसको भी खत्म कर दिया गया। ऐसे बड़े दावे अगर किए जा रहे हैं इस मामले में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो सोचिए इस मामले के बारे में उनके पास सबूत होंगे तभी इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जब से शुरू हुआ तब से कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें हुई हैं सुशांत और दिशा केस को लेकर वहां पर, और इतनी बड़ी बातें जिन बातों का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए ये सारी बातें वही तो हैं जो बातें 3.5 साल पहले लोग कर रहे थे कि स्ट्रेचर की हाइट इतनी लंबी हो गई, 7 फुट की हाइट कैसे हो गई और जो बॉडी थी वो कैसे उल्टी लेटी हुई है, हाथ घुमा है, ये सारी बातें लोगों ने नोटिस करी थी और इन सारी बातों के ऊपर लोगों ने बात करी थी। और उस समय शायद लोग उनको पागल समझते थे, पर शायद आज जब उन सब चीज़ों के बारे में दोबारा से बातें होनी शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा होता है लोगों के अंदर कि क्या उस दिन कुछ अलग था, क्या उस दिन कुछ और चीज़ हुई थी वहाँ पर। आपको याद होगा जब SSR की उस रूम की वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर उनका शरीर था, वहाँ पर पीछे कुछ सफ़ेद कपड़ा भी वायरल हुआ था। अब लोगों ने दावा करा था कि पीछे भी कुछ रखा हुआ है। तो इसी प्रकार बात की जाए तो आखिरकार बहुत सारे सवाल जो आज भी इस मामले में छुपे हैं, दबे हैं, जिसके बारे में आज भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसे भी लोग दावे करते हैं, जिस मामले के बारे में आज भी लोग चर्चा तो नहीं कर रहे पर जिस तरीके से इस मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत केस के अंदर क्या सही में बहुत बड़े राज छुपे हैं, क्या वो राज कोई बाहर आने देगा, क्या वो राज कभी बाहर आएंगे। इन बातों को लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से आप सोचिए वो 7 फुट का शरीर की बात, 7 फुट का स्ट्रेचर फटाफट लाना, एम्बुलेंस में ले जाना, एम्बुलेंस बदलनी और आखिरकार 3 एम्बुलेंस का वहाँ आना, इतने लोगों का वहाँ पर आना, पिकनिक स्पॉट बनना, मिस्ट्री गर्ल मिस्ट्री मैन का आना और ख़ास करके वहाँ पर वो पिंक टोपी वाला काली पन्नी लेके जाना, ये सब चीज़ें जो हुई थी ये क्या कोई मजाक तो नहीं था ना? कुछ ना कुछ जिसके पीछे वजह थी जिसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। और आज कहीं ना कहीं 3.5 साल के बाद इन सवालों से पर्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है और ये पर्दा जब क्या उठ जाएगा पूरी तरीके से तब बहुत बड़े राज खुल जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर अब निकल के आ रही हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने भी बहुत सारी बातों का खुलासा करके जा रही हैं। और आप खुद सोचिए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जब से शुरू हुआ है तब से देखा जा रहा है कि सुशांत केस हो, दिशा केस हो, उन केसों में बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए, पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने एक बात बोली कि हमने सुशांत केस में कभी भी किसी भी बड़े शख्स का नाम नहीं लिया, कि वो कहते हैं दिशा केस के पत्ते खुलेंगे तो सुशांत केस अपने आप खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो दिशा सुशांत केस का कनेक्शन बताया जा रहा था वो क्या कनेक्शन असल में है? ऐसे भी कई सवाल वहाँ पर उठे थे।
तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कि इन सारी बातों को लेकर कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि जिस बातों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो बातें आज आपको सुनाई गई हैं, ये बातें छोटी नहीं है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं कुछ शॉक हो गया कि आखिरकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया पिछले करीब 3-4 महीनों से लगातार काम कर रहा है, सितंबर के आसपास से लगातार काम कर रहा है, और कहा जा रहा है कि अभी तक मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी। अचानक से इस वीडियो पर नजर गई, जब SSR वॉरियर ने इस वीडियो को शेयर किया, तब लगा मुझे कि ये वीडियो आप तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। और कहीं ना कहीं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो कई सारे लोग आए थे जो सुशांत के लिए न्याय मांग रहे थे, सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों में से एक महिला ये थी जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोली और इन्होंने सबूत देने की भी बात करी थी। तो हो सकता है कि उन्होंने सबूत पेश किए हो, पर इनकी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे याद आ गया कि फेसबुक पोस्ट आज से 3 साल पहले देखा था, वो शायद एम्बुलेंस ड्राइवर का था या किसका था ये याद नहीं है, पर उस पोस्ट में भी ये लाल हेलीकॉप्टर की बातें थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, शरीर एम्बुलेंस से बाहर आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो क्या बॉडी चेंज हुई, क्या अलग अलग चीज़ें हुई, ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस दिन, क्या नहीं हुआ, ये तो एजेंसी ही बता सकती है, जांच के बाद ही पता लग सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी लगता है कि बाहर आनी बाकी है। क्या वो आएंगी बाहर, क्या इलेक्शन से पहले इस मामले का सच बाहर आएगा, न्याय मिल जाएगा, इन सब सवालों के जवाब कब मिलेंगे हमको, या कब मिलेंगे उन लोगों को जो पिछले करीब 3.5 साल से इस मामले के न्याय के लिए फाइट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं न्याय का। अब देखने वाला विषय होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। हम चाहेंगे कि आपको जो कुछ लगता है आप अपनी राय कमेंट पर रखिए, ताकि हम जान पाएं कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है, और जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, क्या उम्मीद है कि साल मामले का जो भी सच है वो सब बाहर आ जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है, और फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक वहाँ पर है, जाइए और लिंक में क्लिक करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। उम्मीद है वहाँ पर भी इतना ही प्यार देंगे आप जितना प्यार आपने इन चैनलों को दिया है पिछले 3-4 सालों में। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।